अभी वाले ट्रिप के लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, देख लेना उसको, ठीक है? इट इज व्हाट इट इज, बड़ा कंटेंट बोला था ना मैंने क्या। ए कॉल रख रहे, हरकट है, कॉल रख। हाँ तो अपन अभी जा रहे हैं, वो जो मैंने बोला था ना बड़ा कंटेंट आने वाला है, तो उसको आने में लगभग 20-25 दिन बाकी हैं। तो उसके लिए प्लान करने हम लोग यहाँ से पहले तो 200 किलोमीटर दूर रीवा है एक जगह, वहाँ पे एक लौंडे से मिलना है, उसके बाद से स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। पहले तुम लोग ट्रैवल इन्जॉय कर लो, क्या सिस्टम बैठते हैं हम लोग बिना पैसे के जा रहे हैं। एक रुपए दोनों में से किसी के पास नहीं है, अपना रोशन देखो चेहरा नहीं दिखाऊंगा नहीं तो रोने लग जाता है वो। अरे नहीं आज क्यों लग रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो ठीक है ना, फिर भी। तो ब्लॉग ही रहेगा पर बीच बीच में कट करूंगा, क्योंकि 4 घंटे का रास्ता है वैसे नॉर्मल, पर लिफ्ट लेके जा रहे तो आराम से 16-17 घंटे में पहुंचेंगे। तो पूरे टाइम वीडियो नहीं ऑन रख सकता है, वही स्टोरेज प्रॉब्लम है, अभी नहीं चला। सुन ना, ऐसा बोल रहा हूँ, इतना मेहनत के बाद एक लिफ्ट मिला था, बहुत पीछे छोड़ दिया था, पैदल चले जा, लिफ्ट यहाँ से नहीं मिल रहा। हम लोग शक्ति नगर से विंदनगर नहीं पहुँच पा रहे हैं, जाना कहाँ है रीवा, 200 हम लोग 10 किलोमीटर नहीं जा पा रहे, अभी 200 किलोमीटर जाना है। ट्राई मारते हैं और क्या, अब बुरा लगता है यार, देख रहे ऐसा है। फाइनली ऐसा मेरे घर के आसपास पहुंच गए, यहाँ पर से अब अपने को सामान पैक करना है और जूते पहनने सबसे पहले, तो उसके बाद ये लंच लेकर के निकला था घर से, इसको खाएंगे क्योंकि बोल रहा हाथ में टांग के नहीं ले जाएंगे, तो इधर ही खाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, 10 किलोमीटर आने में हम लोग को 1 घंटा तो लग ही गया आराम से, अब देखते हैं 200 किलोमीटर कब तक पहुँचेंगे। वो अपने सिक्योरिटी इक्विपमेंट के साथ खेलता हुआ रोशन, उसको भी पूरा धागा वगैरह से बढ़िया से बांधे हैं, पैकिंग कर रहा था इतने देर में, एक नींद सो के उठ गया। ओह जिंदगी में अलग दुख है ना रोशन, हम लोग ने 5-6 किलोमीटर से चले जा रहे, कोई लिफ्ट देने वाला है नहीं, देख रहे हो गाड़ी आ रही है बहुत, कोई लिफ्ट नहीं देते। अभी नेक्स्ट स्टॉप परसोना जा रहे हैं, वहाँ मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर है, और वहाँ से चांस है ना कि कोई पिकअप वगैरह वाला अगर लिफ्ट दे दे तो ज़्यादा दूर तक लिफ्ट मिल जाएगा अपने को। हाँ देखते हैं, एक सजी हुई दुल्हन है, इसमें अभी ग्रीस डलवाना, अंकल बोले परसों तक छोड़ देंगे। सीधी 96 है अभी यहाँ से, तो सीधी के बाद है रीवा, मतलब सीधी आधा रास्ता कवर करेंगे, फिर सीधी के बाद रीवा, मतलब 200 बोला था ना, उतना समझ में, ऑडियंस पढ़ी लिखी अपनी। वन ऑफ द बेस्ट लिफ्ट, अभी इनसे बरगवा तक पहुंच जाएंगे। देखो अभी ये इस रोड से रीवा जाएंगे, मतलब ये जो ये पीछे हाईवे, यहाँ से ट्रक वाला भी चला गया हम लोग को उतार के, ऐसा सीन कि ये भी जाएगा पर ये लंबा पड़ेगा, और कोई गाड़ी मिलेगा नहीं मिलेगा चांस पता नहीं, और हम लोग अभी इधर से आ रहे हैं, अभी इधर जाएंगे। ओ भाई अभी ना याद आ रहा है कि सत्तू वगैरह ले लेना चाहिए था अपने को, बस घोल के पीते चलते प्याज मिला के, मजे ही मजे। आगे चल के देखते, अरे क्या देखो यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है आगे रास्ता बंद है, फिर भी ट्राई मारते हैं ना, क्या दिक्कत है, चल लो। ओवरब्रिज बन रहा है इधर, अब रोशन दिलवाएगा लिफ्ट में, बहुत देर से मैं उतनी देर से रुकवा रहा हूँ गाड़ी ना, अब इसको बोल रहा हूँ, देखते अभी कौन सा गाड़ी रुकवाएगा, कहाँ तक लेके जाएगा। दे 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 दे, कोई दिक्कत नहीं, तू लोग रुकवा के दिखा। काफ़ी दूर है सर, देखा जाए तो स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर तो चल ही लिया अपन पैदल, उसके बाद ये वाला रोड जो है ना यहाँ पे हाईवे में मिल जा रहा है, वैसे आगे से भी जाते हैं पर पैदल चलना पड़ रहा था बहुत। NH 39 है यहाँ पे, तो उस पर चले जा रहे हैं, शायद से कोई बढ़िया बड़ा वाला गाड़ी मिल जाए तो जल्दी पहुँच जाए हम लोग रीवा। अभी तक हम लोग बरगवा में ही भटक रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और हम लोग सामने होने से पहले निकलना है, रीज़न क्योंकि फिर जंगल वाला एरिया आता है हाईवे पे पूरा, और बीच में कहीं अटके तो फिर लिफ्ट नहीं मिलेगा शाम को, सीधा सा बात है। 125 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से, जिन ट्रक वाले से भी लिफ्ट लिया ना भाई, उनके इतने 2 देसी पड़ा हुआ था उनके उसमें, उसके ऊपर बोनेट के ऊपर, और बाकी वो लोग दोनों की आंखें पूरी फुल लाल, जो ही ट्रक उछाल उछाल के पार कर रहे थे ना भाई, हवा में चल रही थी गाड़ी, हवा में मजा आ गया। स्पीड तो कुछ आगे तो आ गया, अभी पता नहीं यहाँ से देवसर कितना आ गया, और अभी एक ट्रक वाला उधर का है यार, अच्छा उधर ही लगाएगा आई गेस। अच्छा
ये तो दिक्कत वाला ही बात है, उधर ही चलेगा यार, बताओ लिफ्ट देने चलते, रूट चेंज कर लिए, किस्मत ऐसे मुड़ के जा रही है, इनसे नहीं मांग सकते भाई, ऐसी औकात के बाहर दिख रहा है। अभी पता है क्या सीन हुआ, एक भैया आए थे, लाइक उनके बाइक के पीछे स्टैंड लगा हुआ था, ठीक है, जिसपे बैटरी वगैरह वाला खरीदते हैं, खरीदना बेचना वही लगा रहता है उन लोगों का, तो वो एक ही इंसान बैठ सकता था उनके, तो बोले कि एक और पीछे से बंदा आ रहा है, उनके साथ दूसरे को एडजस्ट कर देंगे। बात हो ही गया था, बीच में उनके मालिक आ गए गाड़ी लेके, और इनको लगा कि वो भी हेल्पिंग होंगे भाई, रुकवाए उनका गाड़ी, बोले कि इनको ले जाने के लिए कैसा कुछ, तो फिर वो मालिक जो है भैया लोग को ही उल्टा बोल सुना दिए कि तुम लोग को लाइक ज़्यादा वो करना है, तुम लोग जाओ काम वगैरह देखो फलाना ढेका ना, मतलब रीवा तक डायरेक्ट जा रहे थे, यहाँ से मतलब 160 किलोमीटर समथिंग अभी रीवा बचा है, 160 किलोमीटर तक वो लोग पहुँचा देते, पर कोई नहीं। और लास्ट में जाते थे वो जो भैया रुके हुए थे ना बाइक से, वो लोग बोलते भी हैं कि पैसे वगैरह लो बस से आ जाना, तो फिर उनको तो बोल दिया कि नहीं एडवेंचर के लिए निकले तो पैसे लेके कोई सीन नहीं बनता वैसा, तो वो लोग गए, अभी वेट कर रहे हैं दूसरे लिफ्ट का, वरना उन लोग साथ अगर रीवा चले जाते हैं जल्दी पहुंच जाते, इतना पैदल चलने से अच्छा शाम होने से पहले पहुंचना, मेन बात ये है, ओले मोली जाना। सामने देखो अगर दिख रहा हो तुम लोगों को तो रीवा 195 किलोमीटर लिखा हुआ है, मैं सोच रहा पहुंचेंगे क्या। उफ भाई उफ, दुख देखो, दुख दर्द पीड़ा ये सब हटा करके अगर बोले ना, वाइब अच्छी आ रही है भाई इस जगह पे, मतलब साइड साइड में जंगल, उधर पीछे एक नदी था, और इधर हवा अच्छी चल रही है, मतलब धूप है फिर भी गर्मी उतनी नहीं लग रही, चल रहा है पसीना आ रहा है पर गर्मी उतनी नहीं लग रही, सही बताओ तो। अब पता नहीं मैंने क्या बोला अभी अभी, पर जो था रियल था। एक अंकल वो जो थे बाइक वाले, देवसर के मेन मार्केट में छोड़ कर चले गए हैं, पर अब यहाँ से वो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है सिद्धि 55 किलोमीटर है यहाँ से, लगभग कोई 60, और वहाँ से फिर रीवा भी 60 पड़ता है, मिला जुला के 120 किलोमीटर रह गया है शायद से, मतलब अप्रॉक्स 120 रह गया है। और क्या, वो अंकल बहुत ही सही थे यार, मज़ा आया लेकिन उनसे बात करते हैं पूरे रास्ते, पैशन प्रोफेशन जो भी था सही थे। अभी आगे चलते हैं, ऑल गुड सिचुएशन तो नहीं बोलूँगा। एक लड़का अभी ऐसा 1.5 किलोमीटर तक उधर मार्केट से बाहर निकाल कर लाया, अभी ये एरिया दिख रहा है खाली खाली, और लिफ्ट कोई देने को तैयार ही नहीं है यार। और अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तो हम लोग 20-25 किलोमीटर जब से ट्रिप स्टार्ट हुआ है पैदल चल चुके हैं, और यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि अभी तक हम लोग का ऐसा 45% ही डेस्टिनेशन कम्प्लीट हुआ है, आधा भी नहीं कम्प्लीट किया अभी, क्या बोलूँ अब मैं इस बारे में बताओ। और अंधेरा होने के बाद तुम जस्ट एक केस इमेजिन करो, ठीक है, ऐसी खाली रोड है, अंधेरे में आसपास कुछ नहीं दिखता, केवल रोड दिखती है, और आगे जाने के बाद और जंगल भी है, तो ऐसी खाली रोड पे अंधेरे में दो लड़के वाइट कलर के टी शर्ट पहन के खड़े हैं, शकल भी जुगाड़ वाला। कौन ही हिम्मत वाला होगा भाई जो गाड़ी रोक देगा, तो वो सोच के अभी हम लोग का लगा हुआ है कि अभी कौन लेके जाएगा हम लोगों को, हम लोग वो सोच रहे हैं, भूख अलग लग रहा है। कोई देख रहा है, कोई नहीं आ रहा उधर से, उफ उफ दुख उफ, इस बार किस्मत बस ये वीडियो अपलोड हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो वो देखना सुजुकी के ऊपर देखना एक बार, सर गलत कर रहे हो आप, आपको नहीं पता है क्या, ध्यान से हाँ, सुजुकी के ऊपर लोड लेके जा रहा है, उसको पता नहीं है कि दब जाता है वो बेचारा मुक्के से भी। इधर तक आ तो गया है, और अब प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा, यहाँ से निकलने से पहले पहले तक अंधेरा हो जाएगा। यार भैया बोले कि ऐसा कि कोयले वाली गाड़ी वैसे लोड होके आएगी तो रुकेगी और रीवा तक जाएगी, यहाँ से रीवा 110 किलोमीटर है अभी।
मैं सोच रहा हूँ चल कहाँ रहे हैं जब डिस्टेंस बची रहे, एक ट्रक आ रही है। तो वही सब है लोचा जिंदगी में, सोच रहा पहुँचेंगे फिर जो होगा देखा जाएगा। ट्राई करते हैं लिफ्ट 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 लिफ्ट। ये तो मजाक मेरे लिए भाई, मेरे सारे को किसी ने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं। दुख है जिंदगी में भाई। भाई ये खुशी जो है ना, ये अंदर भैया भैया भी अच्छे दिख रहे हैं। ये बोल रहा था कि अब पूरा रीवा तक लेके जा रहे हैं, 110 किलोमीटर यहाँ से रीवा, और भैया पूरा लिफ्ट दे रहे हैं अपने को आराम से। इस पे बैठे, इस पे खड़े खड़े हवा खाते और रीवा पहुँच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। और इतनी खुशी भाई, इतनी खुशी, ऐसा दिल से खुशी हो रही है। ओ भाई बहुत परेशान हुए भाई, बहुत परेशान हुए। ये बेचारा फिर बन गया आतंकवादी। ओ भाई नज़ारा, अब नज़ारा लेने मजा आएगा। ठीक है, उतने देर से हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में चल रहे थे, पर अभी मजा आएगा नज़ारा लेने में। फाइनली सिद्धि पहुंच गए हैं, काफी टाइम का सिद्धि। देखो मैं बोला था अंधेरा होने वाला है, रीवा पहुंचते भाई, रीवा यहाँ से 60 किलोमीटर है समथिंग है ना। हाँ तो रीवा पहुंचते तक प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा। चलो वापस से एक और लोचा। वो भैया वहीं पे रुक गए हैं सामने पिकअप लगा के, बोले कि यहाँ से आगे चले जाओ, कोई ना कोई लिफ्ट दे देगा। और दिक्कत ये है 71 किलोमीटर और जाना है। मैं अब हो गई है रात, हो गई है रात, कैसे पहुँचेंगे नहीं पता। दुख दर्द पीड़ा कष्ट परेशानी समस्या दुविधा सब एक साथ। तो फोन उठा ले। हाँ देखो पूरा प्रॉपर अंधेरा हो गया, हम लोग सीधे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, लिफ्ट मिल नहीं रहा है, पैदल चले जा रहे हैं यहाँ से। हाँ 6 आराम से चल लिए, मतलब मिला जुला के टोटल 40 किलोमीटर होने वाले हैं हम लोग को पैदल। बाकी तो अलग है, पैदल 40 किलोमीटर होने वाले हैं। चलो हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, तो हाँ यहाँ से हाईवे पे जा रहे हैं ताकि हाईवे से लिफ्ट मिल जाए अपने को, कोई ट्रक या फिर कोई पिकअप। अंधेरा हो गया, चांस कम है, फिर भी ट्राई करते हैं। अब यहाँ से 65 किलोमीटर बचा है रीवा, पता नहीं उतना देर से क्या कर रहे हैं हम लोग, तो चले जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़े जा रहा है। प्रॉपर अंधेरा हो गया, यहाँ लिफ्ट लेने के लिए खड़े तो हैं, और वहाँ से भी कितना दूर है पता नहीं। और यहाँ रीवा तो ये मेन रीवा, वहाँ से भी और अभी कितना दूर जाना है उस बंदे से मिलने नहीं पता। सामने जो ट्रक है वो वाले भैया लोग यहाँ तक छोड़े, यहाँ से 50 किलोमीटर भी और रह गया है रीवा। और ये ढाबा है, बोले कि यहीं पे बैठ जाओ, यहाँ से कुछ ट्रक वगैरह निकलेंगे। और 9 बज चुका है, एक घंटा का और रास्ता 10 बज जाएगा। अरे वो वाला ट्रक दिख रहा है, वो सामने वाला दूर वाला, तो उसी ट्रक पे वो जो उनके ड्राइवर है वो ले जाने के लिए रेडी तो हो गए हैं अपने को। पर सीन ये है कि हम लोग उनका एक घंटे से वेट ही कर रहे हैं, ठीक है 10 बज चुके ऑलरेडी। अब वो ऐसा खाना खाएं, और अभी फ़िलहाल लेटे हुए हैं, मैं कॉल पे बात कर रहे हैं। अब नहीं पता कब तक लेके जाएंगे, मतलब बाईपास तक छोड़ने के लिए बोले हैं, बाईपास पे तो लौंडा आ जाएगा पिक करने। देखते हैं भाई, वाह मतलब 11:30-12 बजे तक मुश्किल से मुश्किल पहुँचेंगे, यहाँ से 50 किलोमीटर है और रात में हाईवे पे ट्रक, पता नहीं यार जो भी हो उस वाले से जाना है। ये फोकस ले रहे हैं, चलेंगी गाड़ी और हम लोग लगभग 12:30 बजे तो पहुंच ही जाएंगे, 12:30 ही।
काफी टाइम के बाद रोशनी मिली भाई, अब अच्छा लग रहा है, लग नहीं रहा है कि रात के 12 बजे। ऑलराइट ब्रो, अपन उतर गए यहाँ पे रीवा में मेन। अब यहाँ पे वो लौंडा लेने आएगा, तब तक बोला यहाँ पे रुकने को आरटीओ ऑफिस। यहाँ से आते आते तक 1 बज गए बोला जाए तो 18। भाई 4 घंटा का रास्ता, हमने 18 घंटा लगा दिया पहुँचने में, और 45 किलोमीटर मस्त चले एकदम पैदल। जिंदगी क्या बोलें उसको, बस पैर दुख रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी सब तो बढ़िया ही चल रहा है। हाँ नींद अलग आ रही है थोड़ी मोड़ी। चलो लड़का आता है उसके बाद फिर मैं वो, अरे हाँ वो भूख वाला सीन अलग है, वो खिलाएंगा भाई, अभी खिलाएंगा ना। खिलाएंगा पिलाएंगा, क्या टेंशन ले रहे हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि वो लड़का आ रहा है, उसके बाद मैं अपना प्लान वो लाइक बताता हूँ ना कि क्या प्लान कर रहे थे हम लोग। मज़ा तो आने वाला है आने वाले कुछ टाइम में, मिलते उसके पास। आम तो सामने मस्त दिख रहा है, यहाँ विंडो पे बैठे हुए। अब मैं बताता हूँ यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे, ठीक है बाहर निकल के बताता हूँ। और तो जगह अच्छा मिली है अपने को। अरे और भी चीज़ दिखा के आता है, 1 सेकेंड। तो दोस्तों अपना बगीचा घूमने आया था। कहाँ? इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। कहाँ जा रहा है? वीडियो शूट करने आया था भाई। कौन सा वीडियो भाई? बना रहा भाई बस। अच्छा आम का सीजन आया, नहीं चोर पहले आ गए। एक सेकंड, इधर आ, इधर आ, इधर आ। आम नहीं ले रहा यार। तेरा नाम क्या है? अक्की भाई, अक्की के। अबे तू पानी की टंकी वाला है ना? सुन तेरे को छोड़ दूंगा, जाने दूंगा, कोलैब करेगा भाई। कंटेंट बता दे भाई, क्या कंटेंट वंटेंट? नहीं घर जाना है कि नहीं जाना भाई? कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, बोल। तो दोस्तों मैं और अक्की जून में निकल रहे हैं ऑल इंडिया टूर पे, साथ में स्टे ट्यून्ड, जैसे जैसे होगा अपडेट्स दे देंगे, ठीक है? बोल। हाँ बोल। हाँ भाई, हाँ 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 ठीक है। जो वाली क्लिप अभी देखी तुमने तो उसका, उसको विस्तार करके बताता हूँ मैं, ठीक है? हाँ तो ऐसा सीन है, जो लड़का था अभी वो रीवा का है और उसी का प्लान था, तो मेरे को लगा लाइक प्लान में तो दम है कि ऑल इंडिया ट्रिप करेंगे। और इसमें ट्विस्ट ये है कि अपन पैसे वगैरह लेके नहीं जा रहे, 0 बजट। और क्या करना है अपने को, मतलब हाँ 6 महीने तक का टारगेट है, 6 महीने सर्वाइव करना है। अगर जिंदा रह गए तो और आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और तुम में से जितने लोग को ही मिलना था मिलने के लिए मैं रेडी हूँ, बस लोकेशंस बताते रहना। और एक और चीज़, तुम लोग साथ में ट्रिप में ज्वाइन कर सकते हो पर कुछ कुछ दिन के लिए, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अगर करना चाहो तो ठीक है, पर वैसा टेम्प्ररी भी करना चाहो तो चलेगा, ठीक है? और बाकी ट्रिप्स के साथ अपडेट करते रहेंगे अपना। पहला जो प्लान है कि वो 1 जून को अपन निकलने वाले हैं दिल्ली, दिल्ली से फिर कनकपुर जाएंगे। 1 जून तक नहीं शायद, 5, मतलब जून के स्टार्टिंग में निकलेंगे वो, कभी भी निकले, 5-6 जून तक शायद निकले, ठीक है? कुछ काम है। उसके बाद वहाँ से उत्तराखंड जाएंगे टनकपुर, और वहाँ जाके फिर आगे का प्लान करेंगे, ठीक है? पता है रैंडम चलता है, तो वही है, रैंडमनेस इसमें भी है। स्टे ट्यून्ड, बाय।